हाँ, तो हमने कल देखा था कि छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक संदर्भ एवं नामकरण, जैसे हमने छत्तीसगढ़ के विभिन्न कालखंडों में नाम हमने देखे थे, जैसे हमने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के वैदिक काल में देखा हमने, है ना, कि छत्तीसगढ़ के लिए कोई काम नाम नहीं मिलता है, लेकिन बस्तर के लिए दक्षिण दिक् शब्द का प्रयोग किया गया है ना। और उसके बाद हमने देखा था कि भाई रामायण काल में दक्षिण कोशल बोला जाता था, दंडकारण्य कहा जाता था बस्तर को, है ना। महाभारत काल में प्राग कोशल कहा जाता था और कांतार कहा जाता था। महाभारत काल के बाद महाजनपद काल, वेन संग आया, किया सोलो कहा उसने सियुगी में, है ना। फिर उसके बाद आपका महाजनपद काल के बाद गुप्त काल आया, गुप्त काल में से कोशल कहा गया या क्या कहा गया, दक्षिणापत कहा गया, ठीक। मध्य काल पे आते हैं तो मध्य काल में आपका मुगल काल, मुगल काल में रतनपुर राज शब्द का प्रयोग किया गया छत्तीसगढ़ के लिए। फिर उसके बाद छिंदक नागवंशियों ने बस्तर के चक्रकोट और भ्रमरकोट शब्द का प्रयोग किया। फिर आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल में ब्रिटिशर्स द्वारा इसे महाकोशल कहा गया, कनिंघम ने शब्द का प्रयोग किया, है ना, ठीक। और वर्तमान में हम क्या नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ नाम से ही जानते हैं, ठीक। तो इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ नाम से हम जानते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि दक्षिण कोशल कहाँ कहाँ मिलता है नाम, संदर्भ के बारे में देखे थे। तो दक्षिण कोशल हमको मिलता है वाल्मीकि रामायण में, जाजदेव प्रथम शिलालेख में, है ना, और जाजदेव का रतनपुर शिलालेख, है ना, और सोमेश्वर देव का कुरुपाल शिलालेख, ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं कोशल नाम, है ना, कोशल कहाँ कहाँ मिलता है, महाभारत के सभा पर्व में मिलता है, ठीक। इसके अलावा कालिदास फिर रघुवंशम में मिलता है ना, हो गया। इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति जिसको कहते हैं हरिशेठ की, उससे मिलता है। फिर हमने महाकोशल देखा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ये शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा एक और था अधिष्ठि कहा गया, कालमी के द्वारा, अधिष्ठान पर्वत यहाँ पर था तो अधिष्ठि कहा गया इसके द्वारा, कालमी के द्वारा, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं कि भैया ये छत्तीसगढ़ जो शब्द है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, है ना। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ ये हम जानने की कोशिश यहां से करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो है कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग, इस शब्द का, है ना, अलग अलग हिसाब से लिखेंगे, प्रथम प्रयोग, है ना, इस शब्द का, ठीक, कब हुआ। तो 1487, अलग अलग डेट मिलता है, मैं पहले बता देता हूं। 1487 विनय कुमार पाठक की के अनुसार है, 1494 छत्तीसगढ़ संदर्भ जो किताब है उसमें 1494 मिलता है, ठीक। तो मैं दोनों लिखा देता हूं, आप देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, है ना, आंसर को लीजिएगा, ठीक। 1494 ईस्वी और 1487 ईस्वी, ये दोनों मिलता है ना, ठीक, इसको ध्यान रखना है तुमको। 1487 ईस्वी या 1494 ईस्वी में किसके द्वारा प्रयोग किया गया, दलपत राव के द्वारा या दल राम राव के द्वारा, जो भी नाम, अलग अलग नाम मिलता है ना। तो दलपत राव, है ना, या दल राम राव, ठीक, इसके द्वारा ये किसका प्रयोग किया गया, है ना। हाँ, अब देखो, तुमको पूछा गया छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग, तो क्या ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया, 1484-1494 में, किसके द्वारा, दलपत राव या दल राम राव के द्वारा, ठीक, कौन था ये, ठीक। तो ये खैरागढ़ राज जो था, कौन सा, खैरागढ़, है ना, तो खैरागढ़ रियासत के राजा, है ना, ये खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मीजी कर्ण राय, ठीक, क्या,
लक्ष्मी निधि कर्ण राय, लक्ष्मी निधि है ना, कर्ण राय ठीक, इसे कर लेना तो उल्टा लिख दिया इसको, लक्ष्मी निधि कर्ण राय, ये इसका क्या था, चारण कवि था। क्या थे ये? चारण कवि। चारण कवि समझते हो, जो चाटुकारिता करते, ठीक, चारण में घूम घूम कर विचरण करके है ना, क्या राजा के गुणगान को जनता तक पहुंचाना है ना, या अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से जब क्या करता है कवि, जनता तक उसके उपलब्धियों प्रसिद्धियों के बारे में बताता है, तो उसको बोलते हैं चारण। क्लियर? ठीक। तो चारण कवि था कौन? दलपत राव। किसका? लक्ष्मी धी कर्ण राय, जो खैरागढ़ रियासत का राजा था। क्लियर है? ठीक। अब उसने कहा क्या, सुनिएगा, लक्ष्मी रिधि लक्ष्मी राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गढ़या रही, है ना, ये उसकी कविता है ना, और बहुत लंबी है, वो आपके काम का नहीं है, बस इतने ध्यान रखिए, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गढ़या रही, यानी आपके समान कोई छत्तीसगढ़ में राज करने वाला या छत्तीसगढ़ गढ़ने वाला कोई नहीं है ना, ठीक। तो ये कहता है कौन? दलपत राम राव। तो प्रथम प्रयोग बस इतना ही ध्यान रखिए, कब प्रयोग किया गया और किसने किया, ठीक, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग। फिर कभी कभी पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीतिक संदर्भ में प्रथम प्रयोग, और याद रखना राजनीतिक संदर्भ तो ठीक है, लेकिन इसी को आजकल साहित्यिक भी कह देता है ना, साहित्यिक संदर्भ में प्रथम प्रयोग, ठीक, क्लियर। तो साहित्यिक संदर्भ अगर कहे तो ये नहीं आएगा, ठीक, ये आएगा, ठीक। पहले हम लोग पढ़ते थे तो प्रथम प्रयोग देखते थे, साहित्यिक प्रयोग अलग देखते थे, राजनीतिक अलग देखते थे, तो आपको छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग दे बोले या क्या बोले, साहित्यिक प्रयोग बोले, दोनों में ही आंसर कौन सा आएगा? दलपत राव। ठीक, राजनीतिक संदर्भ में जो प्रथम प्रयोग है वो 1689, 1689 है ना ईस्वी में, है ना, इसके करीब, इसके 150 साल बाद, कितना, 150 वर्ष बाद है ना, 1689 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? गोपाल मिश्र के द्वारा किया गया, गोपाल मिश्र के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया राजनीतिक संदर्भ में। ठीक। अब देखिए, तुमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आने हैं, बस ये पूछ सकता है आजकल, और आजकल ये बाहर भी हो गए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बेसिक्स है, और यही पूछ रहे तुमको, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो दलपत राम राव के द्वारा किया गया है ना, वो आपको पता है क्या है, राजनीतिक संदर्भ में प्रथम प्रयोग गोपाल मिश्र के द्वारा किया गया। इसने अपनी कृति, इसकी कृति है, रचना है खूब तमाशा। क्या? खूब तमाशा। ठीक। इसमें खूब तमाशा में है ना, इस छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीतिक संदर्भ में प्रयोग किया। अब ये गोपाल मिश्र कौन था? तो कलचुरी शासक था, राजा राज सिंह। ठीक। क्या? कलचुरी शासक। राजा राज सिंह, उसका ये क्या था, आपका दरबारी था, या उसके राजाश्रय में ये चारण कवि थे। कौन? गोपाल मिश्र। और ये कहते हैं, वरन सकल पुर देव देवता नर नारी रस रस के, बसे छत्तीसगढ़ पुरी सब दिन के रसवासी बस बस के। ये उसकी कविता है जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। फिर मराठा ऐतिहासिक संदर्भ में मराठाओं ने छत्तीसगढ़ प्रथम प्रयोग कब किया, यानी मराठाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ के बारे में किस में बताया गया? तो बखर, बखर माने होता है वो एक तरह का न्यूज़पेपर, या आप कह सकते हैं डायरी है ना,
डायरी कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इनका एक किताब है ना, काशीनाथ गुप्ते का, नागपुर कर भोसल्यांची बखर, है ना। ये डायरी जो है, इसमें उसने क्या छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, छत्तीसगढ़ के बारे में बताया 1707 में। तो 1707 में आपको क्या मिलता है, मराठाओं के द्वारा प्रयोग मिलता है, नागपुर कर भोसल्यांची बखर, काशीनाथ गुप्ते। पूछता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि मराठा संदर्भ में प्रथम प्रयोग कब हुआ, 1707 में। ठीक, फिर देखिए इसके बाद 1795 में, है ना, क्या होता है, जेटी ब्लंड जो है ना, वो यात्रा करते हैं, है ना। बिलासपुर गजेटियर में वर्णन मिलता है कि 1795 ईस्वी में कौन, जेटी ब्लंट, ठीक, ये व्यक्ति कहाँ यात्रा करने जाता है, बस्तर क्षेत्र की यात्रा करने जाता है। ठीक ठीक तो बिलासपुर गजेटियर, है ना, बिलासपुर गजेटियर बाद में बनता है एक्चुअल में, है ना। 1795 में यात्रा करने जाता है, और उस यात्रा का वर्णन आपका किसमें आता है, बिलासपुर गजेटियर में आता है ना। गजेटियर में साल भर का लिखा जोखा जो होता है ना, उसका वर्णन होता है। ठीक, फिर देखिए, अब जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो एक और शब्द मिलता था, साहित्यिक वाहित्यिक तो हो ही गया, है ना, वहां पर तुमको, लेकिन उस समय हम लोग साहित्यिक जब पढ़ते थे, ऐतिहासिक साहित्यों में प्रयोग पढ़ते थे, तो एक और वर्णन मिलता था हमको, बाबू रेवा राम का, 1896 ईस्वी में, 1896 में। देखो इसका उल्टा है लगभग, है ना, वही है ना। ठीक, तो 1896 ईस्वी में पलटना है इसको, ये यहां जाएगा बस, वो बाकी सब सेम रहेगा, है ना। तो 1896 ईस्वी में, है ना, आपको बाबू रेवा राम के द्वारा वर्णन मिलता है। अब ये क्वेश्चन ना तुमको ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बाबू रेवा राम की किस कृति में छत्तीसगढ़ शब्द का वर्णन मिलता है ना, या बाबू रेवा राम की इनमें से कौन सी कृति है, ये सब से मिल, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो बाबू रेवा राम ने एक किताब लिखी, विक्रम विलास, क्या लिखा, विक्रम विलास। ठीक, ये विक्रम विलास नामक इसने क्या लिखा, किताब लिखी, है ना, जिसमें अभी देखो ये एक्चुअल में अनुवाद था सिंहासन बत्तीसी का, सिंहासन बत्तीसी कई अनुवाद था, कौन आपका, हाँ, तो ये गद्य रूप में है, ये पद्य रूप में है ना। ठीक, लिखित रूप में है, कहानी के रूप में है, और ये गायन रूप में है, विक्रम विलास। ठीक, तो विक्रम विलास में बाबू रेवा राम ने, है ना, जो कलचुरी शासन के समय थे ये भी, है ना। ठीक, तो उसने लिखा, तिनमें दक्षिण कोसल देशा, जहां हरि केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन पुण्य भूमि, सुर नर मुनि भावन, ये करके उसने लिखा है। और ये सब आपके काम का नहीं है, वो सीजीपीएससी पूछता है कभी कभी, तो उतना तो तुम याद नहीं कर सकते कि एक चीज है ना। ठीक, तो बाबू रेवा राम की विक्रम विलास में ऐतिहासिक साहित्यों में प्रयोग मिलता है ना। इसके अलावा बाबू रेवा राम की अन्य कृतियां हैं जो आपको पूछ सकता है, तो लिखिएगा, तारीखे है वंशी, और रतनपुर राज का इतिहास। ठीक, इसके अलावा इसने और किताब लिखी, क्या लिखा, तारीख ए है वंशी, है वंशी, और रतनपुर राज के इतिहास। रतनपुर राज के इतिहास, ये दो कृतियां इसकी है, किसकी, बाबू रेवाराम। इसके बाद देखिए प्रशासनिक प्रयोग अगर देखें, ठीक, तो 1909 का जो रायपुर गजेटियर था,
कौन सा? 1909 का रायपुर ग्रेडियर नेल्सन कृत, उसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन आपको मिलता है। किसमें? तो प्रशासनिक अगर प्रयोग तो बोले है ना, तो 1909 का कौन सा है आपका? रायपुर गजेटियर। यहां तक क्लियर हुआ आप लोग को? एक और डेटा था मेरे पास आपको शेयर करने के लिए, दिख नहीं रहा है। पुराने वाले में होता हूँ। रिवरानंद की रचना है तो और तारीख है मुंशी और रतनपुरा के इतिहास, उसमें इम्पोर्टेंट। नहीं, वो अलग है, उसकी रचनाएं हैं, रचना पूछता है ना? तो विक्रम विलास मेनली वही है ना? और जो आपकी अन्य रचनाएं हैं वो उसकी रचनाएं हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है वो। यानी पूछ देता है कि इस बाबू रेवराम की रचनाएं इनमें से कौन सी नहीं है, तो 3 ठो देगा, 1 ठो नहीं रहेगा। ठीक, चलिए छोड़ो, इसको नहीं मिल रहा है, हो गया। फिर देखिए 1910 ईस्वी है ना, बिलासपुर गजेटियर है ना, 1910 के बिलासपुर गजेटियर में भी आपको प्रशासनिक प्रयोग मिलता है छत्तीसगढ़ शब्द का, है ना? ये भी ए नेल्सन कृत होता है। कौन आपका? बिलासपुर गजेटियर। ठीक, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? नागपुर से होता है ना? चूंकि नागपुर राजधानी थी उस समय छत्तीसगढ़ की, है ना, इस संभाग की पूरी, है ना, यानी पूरा ये मध्य प्रांत था उसकी राजधानी थी नागपुर, है ना? नागपुर से संचालित होता था, तो प्रिंटिंग भी कहाँ होगा? नागपुर से होगा। ठीक, और तो उसमें ना इस बात का वर्णन कि 1795 में कौन आया था, कैप्टन ब्लंट क्या करता है, राजमुंद्री है ना, की यात्रा करता है ना? ठीक, किसकी यात्रा करता है? राजमुंद्री की यात्रा करता है ना? और उसका वर्णन ब्रिटिश है ना रेजिडेंट जेनकिंस ने अपनी किताब जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ है ना शब्द से किया है। यानी दो चीजें हैं सुनना बात, पहला तो जेटी ब्लंट की यात्रा की, यहां यात्रा करता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग है ना किसने किया? जेनकिंस ने, ब्रिटिश रेजिडेंट था कौन? जेनकिंस। उसने यहाँ के जो जमींदार थे ना, अब जमींदार, अब एरिया तो बताना पड़ेगा ना कहाँ के जमींदार, तो जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ ऐसा लिखा उन्होंने। जब जमींदारों का ब्यौरा लिखा लिखा ना उसने, तो उसने क्या लिखा? जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ लिखा। ठीक, तो ये 1910 के बिलासपुर जो गजेटियर है, ये बिलासपुर गजेटियर है, इसमें आपको ये वर्णन देखने को मिलता है। ठीक, जिसमें जेनकिंस ने क्या कहा, जेनकिंस ने क्या कहा? जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ ये कहा। ठीक, हो गया। तुमको ज्यादा माथा खराब नहीं करना है, क्वेश्चन में तुमको पहले से बता देता हूँ कैसे कैसे याद रहेगा, ये बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग या साहित्यिक प्रथम प्रयोग किसने किया? दलपत राव है ना, दलपत राम राव है ना, जो दल का प्रथम नेतृत्व करे, इसलिए प्रथम है ना, दल से याद रखना है ना, तो दलपत राम राव है ना, या दलपत राव, हो गया जी। खैरागढ़, अब राम माने विष्णु है ना,
विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी, तो ऐसे करके कनेक्ट कर लेना तुम लोग, लक्ष्मी जी राय का चरण कविता हो गया यार पहला। राजनीतिक संदर्भ, राजनीति के अगर भारतीय इतिहास में अगर आप घुसे, खासकर भारतीय परंपरा में अगर जाएं आप धार्मिक रूप से, तो राजनीति के सबसे बड़े महारथी थे कौन? कृष्ण, ठीक है ना। और कृष्ण जी का नाम क्या है? गोपाल कहते हैं, ठीक। तो राजनीतिक संदर्भ में गोपाल हो गया ना, याद हो जाएगा ना, ठीक। और गोपाल बचपन में क्या करते थे? बहुत तमाशा करते थे, ठीक। तो खूब तमाशा, क्लियर, याद हो गया। ये पूछेगा नहीं तुमको, बस उसके लिए सात्र सात मराठा सुंदर नहीं हुआ। और हाँ खूब तमाशा उनकी रचने, हाँ उसका वर्णन है, ठीक। ये जेटी ब्लंट पूछेगा कि कब यात्रा किया छत्तीसगढ़ की, 1795 में किया था, राजमुंद्री की यात्रा किया था। फिर पूछेगा बाबू रेवाराम की किस कृति में छत्तीसगढ़ शब्द का वर्णन मिलता है? विक्रम विलास, सिंहासन पर प्रतिष्ठा। और इसकी और क्या रचने हैं? तारीखें हैं वंशी और रतनपुर राज के इतिहास, ठीक। फिर प्रशासनिक प्रयोग देखें तो 1909 के रायपुर के जेटीआर, 1910 के बिलासपुर के जेटीआर, एक साथ दोनों आंसर नहीं देगा। अपनी बुद्धि का सब प्रयोग करना, जहां पर जैसे आंसर ऑप्शन होगा वैसा आप क्या लेंगे, आंसर्स लेंगे, ठीक, क्लियर। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ ये देख लिया हमने, ठीक। इसके बाद आप हेडिंग डालिए, है ना, कि छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर प्रकाश डालना है हमको, है ना। तो छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति के संबंध में मान्यताएं, हेडिंग रहेगा आपका छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में मान्यताएं, छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति के संबंध में मान्यताएं। के संबंध में क्या जी? मान्यताएं। अब देखो मान्यताएं जो होंगी, मान्यता माने क्या होता है? हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं, परिकल्पना, यानी ऐसा हुआ होगा, है ना, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है ना, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि शायद ये चीज हो सकती है, इसीलिए मान्यता है ना। अगर एग्जैक्ट डेटा रहता तो हम बता देते कि छत्तीसगढ़ ऐसे नाम पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना, ठीक। तो सबसे पहले पहला जो उत्पत्ति का वो निकलता है ना, मान्यता एक तरफ लिखना, मान्यता कि कैसे हुआ, है ना, ठीक, क्लियर, यानी किसका अभ्रंश बना। फिर इसके प्रतिपादक क्या, प्रतिपादक यानी देने वाला किसने ये मान्यता दी, और उसके बारे में तथ्य, है ना, हो गया। तो मान्यता है पहला छत्तीसगढ़ से बना छत्तीसगढ़, ठीक है ना। देखो हमको कोई सुस्पष्ट यहां पर चीजें पता नहीं कि छत्तीसगढ़ कैसे नाम आया, ठीक है। पहला है छत्तीसगढ़, इसके प्रतिपादक है बेगलर, कौन है? बेगलर, ठीक। बेगलर जो था, है ना, ये कनिंगम का क्या था? शिष्य था, है ना, कौन? आपका बेगलर, ठीक। अब बेगलर बोलता है कि भैया वो सब मत लिखा ना, बस तुमको बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ बोलता है कि छत्तीस चर्मकार परिवार, है ना, जरासंध, जानते हो ना जरासंध, श्री कृष्ण के समय था जरासंध, है ना। तो जरासंध के क्या आपके काल में या उससे प्रकोपित होकर, है ना, ठीक, या तंग आकर, उसके शोषण से तंग आकर वो छत्तीस चर्मकार परिवार कहां के बस गया? इस क्षेत्र में बस गया, छत्तीसगढ़ में बस गया, ठीक, क्लियर है ना। तो जनश्रुति के अनुसार जरासंध के काल में छत्तीस चर्मकार परिवार, है ना, उसके राज्य से पृथक होकर यहां बस जाते हैं, है ना, और उसी उन्हीं छत्तीस घरों के नाम पर, छत्तीस परिवारों के नाम पर ये क्या बन गया? छत्तीसगढ़। ये पहली मान्यता है बेगलर की। दूसरी मान्यता है छेदिसगढ़,
क्या? चेदिसगढ़, चेदिसगढ़ दिया हीरा लाल शुक्ल ने। किसने? हीरा लाल शुक्ल। ठीक। अब हीरा लाल शुक्ल इस नाम के पीछे तथ्य ये देते हैं कि भैया चेदी कौन कहलाते थे? कलचुरी। कलचुरियों का शासन था चेदी जनपद में, है ना। इसी कारण वो चेदिया कहलाते थे। कौन? कलचुरी। और उन्हीं के नाम पर यहां शासन करने के कारण, इस गढ़ में शासन करने के कारण इसको क्या कहा गया? चेदिसगढ़, जो बाद में अपभ्रंशित होकर क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक। तो कलचुरी, चेदी जनपद, चेदिया, और उसी से चेदिसगढ़, और चेदिसगढ़ अपभ्रंशित होकर क्या बन गया? छत्तीसगढ़। बिगड़ के नाम बिगड़ जाता है ना। हाँ, बस वैसे हो गया। फिर यहां के 36 गढ़ों के नाम पर, क्या 36 गढ़ के नाम पर यहां क्या कहा जाता है कि जो शिवनाथ नदी है इसके उस तरफ और इस तरफ, है ना, कितने गढ़ थे? 18 18 गढ़ थे। ठीक, क्लियर है ना। तो उन 18 18 गढ़ों के कारण, यानी टोटल 36 गढ़ के कारण, इसके उस क्षेत्र को क्या कहा गया? छत्तीसगढ़, क्योंकि यहां 36 ठो क्या थे? गढ़ थे। क्लियर। ये थ्योरी किसने दिया? तो ये थ्योरी दिया आपका स्मिथ ने, स्मिथ ने, डॉक्टर शंकर शेष ने, डॉक्टर शंकर शेष ने, और चीसम और हैबियट ने। चीसम व हैबियट, ये इतने लोग इसको मानते हैं, और यही सबसे ज्यादा पुष्ट लगता है यहाँ के 36 गढ़ों के कारण। ठीक। तो रतनपुर राज में कितने गढ़ हुआ करते थे? 36 गढ़ हुआ करते थे, जो शिवनाथ नदी के उत्तर में और दक्षिण में होते थे। ठीक है ना। ये गढ़ सिस्टम याद है ना, कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली का वो था ये। किसका? कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली है। ठीक, ये गढ़ सिस्टम हो गया। ठीक। फिर लाला प्रद्युमन बोलते हैं 36 राजधानी थी, उसी के नाम पर ही 36 गढ़ बन गया। इसके अलावा कनिंघम बोलते हैं अधिष्ठात्री गढ़। तालमी ने कहा ना इसको अधिष्ठी, और अधिष्ठी जो है अभ्रंशित होकर अधिष्ठी, ये कहा कनिंघम ने, अधिष्ठात्री गढ़। क्या? अधिष्ठात्री गढ़, इसी के नाम पर है ना, अधिष्ठी पर्वत था है ना, तो अधिष्ठात्री गढ़ के नाम पर बाद में अभ्रंशित होकर छत्तीसगढ़ बन गया, कनिंघम ने कहा। ठीक। उसके अलावा गोपाल मिश्र यहाँ बोलते हैं 36 कुल राज राज करते थे, है ना, इस कारण इसको छत्तीसगढ़ कहते हैं। लेकिन आपको काम का जो है वो इतना ही है। ठीक, ये पढ़ के आना है ना। अब देखो याद कैसे रखना, बेघर हो गए, घर से बेघर हो गए, तो घर वाला कॉन्सेप्ट किसका है? बेगलर का। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक। और देखो ये हीरा लाल जो शुक्ल हैं, इन्होंने कौन सा दिया? चेदिसगढ़, क्योंकि कलचुरी वाले, कलचुरी इतने दिन तक शासन किए, उनका तो कॉन्सेप्ट आना ही था, है ना। तो हीरा लाल शुक्ल ने क्या दिया? चेदिसगढ़। ठीक, हो गया। और या ऐसे भी कह सकते हो कलचुरी छत्तीसगढ़ के हीरे थे। ठीक, तो कलचुरिया वाला कॉन्सेप्ट हीरा लाल शुक्ल है। ठीक, क्योंकि तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, है ना, कलचुरी। और छत्तीसगढ़ के वैभव को उठाने में भी इन्होंने बहुत काम किया है, कलचुरी। तो कलचुरी क्या सब कर सकते हो? छत्तीसगढ़ के हीरे थे। तो कलचुरी या छत्तीसगढ़ वाला कॉन्सेप्ट हीरा लाल शुक्ल। अब छत्तीसगढ़ जो है ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर कितने टोटल 36 गढ़ थे, है ना। ठीक। ये कौन सा दिया? स्मिथ ने। शंकर शेष में एस एस है दोनों में, देखो स्मिथ और शंकर शेष और चिशम और हैवियट ने। ठीक, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें आपका छत्तीसगढ़ नामकरण का इतिहास। ठीक।
थ्योरिटिकल पूरा मैं तुमको कहानी बता दी, कहानी तुमको याद होनी चाहिए लेकिन फैक्चुअल पे ही जाना है तुमको, अंततः तुमको फैक्चुअल डेटा नहीं भूलना है। हम क्या होते हैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते थोड़ा दूर निकल जाते हैं, है ना, अब उतना दूर तक क्वेश्चन आना ही नहीं रहता है ना। मैं तुमको इतना सारा बैकग्राउंड इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुमको याद रहे, ठीक। तुमको पढ़ना कितना है, 5 मिनट का है वो ये पूरे चैप्टर। कितना क्लास लगा हमको, 2 क्लास लग गए, है ना। तो ये बैकग्राउंड समझाना ज्यादा जरूरी रहता है ताकि तुमको लंबा टाइम तक याद रहे। बाकी कितना मिनट का, 10 मिनट पढ़ोगे पूरा याद हो जाएगा, है ना, ठीक। तो तुमको फैक्चुअल याद रखना है और उसके पीछे कहानी भर को तुम थोड़ा ध्यान में रखे रहना, ठीक ठीक जी। मिटा दो इसको। अब देखो गढ़ों का नाम तुमको देखने को मिलता है अलग अलग जगह। अब मैं मैप के सहारे, है ना, तुमको बताने की कोशिश करता हूं कि यहां पर कौन कौन से गढ़ कहां कहां पर थे। हम फिर से वही छत्तीसगढ़ के मैप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए आप लोग। हाँ ठीक, छत्तीसगढ़ का मैप बना लो, वही अपना जो तरीका है, है ना। चलो अब देखते हैं आपके क्या शिवनाथ किस तरफ और उस तरफ वाले 16 गढ़ छत्तीसगढ़, ठीक। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं गोरेला पेंड्रा मारवाही से, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको बता देता हूं, यहाँ शहडोल होता है। क्या होता है? शहडोल, ठीक। शहडोल जिला है ना, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो शहडोल जिले में आपका एक ना क्षेत्र है ना, वहां पर एक गढ़ हुआ करता था कुरकुटी कंट्री, यहां शहडोल में। शहडोल यहां है कुरकुटी कंट्री, ये एक गढ़ होता था कुरकुटी कंट्री। एक कुरकुटी कंट्री हुआ, फिर देखना पेंड्रा से चालू करते हैं। तो सबसे गोरेला पेंड्रा में है ये पेंड्रा, पेंड्रा ठीक, क्या है आपका पेंड्रा। पेंड्रा के बाद कोरबा चलते हैं, है ना। कोरबा में 4 गढ़, ठीक, मातिन, उपरोरा, या इसको उपरोणा भी कहते हो ना तुम लोग, ठीक, लाफा, ठीक, मातिन, उपरोरा, लाफा और आपका एक और है कोजगई।
कौन सा है? कोस गई। ठीक, तो कोरबा में कितने गढ़? चार गढ़। कौन कौन से? मातीन, उपरोरा, ठीक, लाफा और कोसगई। ठीक, समझ में आना है? ये लाफा है, ये उपरोरा है आपका, ये है कोसगई। ठीक, अब देखो ये चार गढ़ कहाँ हो गए? वहां हो गए, बिलासपुर में चार गढ़। ठीक, केंद्रा, केंद्रा, ठीक, केंद्रा के बाद है आपका रतनपुर, रतनपुर। ठीक, केंद्रा, रतनपुर, सोंधी और औखर, सोंधी और औखर, ये कितने हैं आपके? चार। ठीक, हो गया। तो पेंड्रा ऊपर में, केंद्रा, रतनपुर, सोंधी, औखर। ठीक, अब देखो मुंगेली में, मुंगेली में दो है, विजयपुर और पनरभट्टा। विजयपुर और पनरभट्टा, ठीक, पनरभट्टा ये आपके कहाँ है? मुंगेली में। ठीक, जांजगीर में है आपका कोटगढ़। यहाँ आप अकलतरा रोड जाओगे, ठीक, तो आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ बलौदा के बाद निकलोगे तो कोटगढ़ है ना, महल अभी भी है, तो कोटगढ़ है। फिर है आपका मदनपुर, ठीक, ये यहां पर है मदनपुर, मदनपुर। और उसके बाद है आपका यहां पर कौन सा? खरौद, खरौद। ठीक, हो गया जी, मदनपुर, कोटगढ़, खरौद, हो गया। कितने? तीन हो गए। कहाँ? जांजगीर चांपा में, सख्ती में एक भी नहीं है ना, क्लियर। फिर उसके बाद आ जाइए आप, कहाँ? बेमेतरा में। ठीक, बेमेतरा में है दो ठो, नवागढ़ और मारो। बेमतरा में है नवागढ़ और मारो, ये दो हैं। ठीक, कहाँ है? बेमतरा में, हो गया। ठीक, फिर बलौदा बाजार में है सेमरिया, ये यहाँ क्या है? सेमरिया। ठीक, कौन सा है? सेमरिया। ठीक, तो इतने कितने गढ़ हो गए? 18 हो गए आपके, एक दो तीन और का पांच, आठ हो गया है ना, 8 4 12, 3 15 16 17 और 18। ये आपके 18 गढ़ शिवनाथ नदी के किस तरफ थे? उस तरफ थे। ठीक, हो गया। तो इतना ध्यान रखिए, शिवनाथ के उस तरफ वाले ये हैं। ठीक, क्लियर है, याद रहेगा ना? ठीक, ये क्या है आपके? शिवनाथ के उस तरफ वाले है ना, ये कितने हैं आपके? 18 गढ़। अब बाकी 18 गढ़ों के बारे में यहां से देखते हैं, शिवनाथ के दक्षिण में, ये शिवनाथ के उत्तर वाले हो गए। ठीक, शिवनाथ नदी के दक्षिण में हम चालू करते हैं यहां से, कहां से आपका? राजनांदगांव से। तो यहां है सिंगारपुर, सिंगारपुर। ठीक, क्या है? सिंगारपुर। सिंगारपुर के बाद शारदा आपको देखने को मिलता है। ठीक, यहां पर है शारदा, दुर्ग में शारदा, और दूसरा है दुर्ग। ठीक, शारदा और दुर्ग। ठीक, यहां पर देखते हैं बलौदा बाजार में,
तो बलौदा बाजार में अमोरा और लवन, अमोरा और एक है लवन, ठीक, कौन कौन सा, अमोरा और लवन, ठीक। फिर उसके बाद हम आते हैं कहां, रायपुर में, तो रायपुर एक गढ़ था, ठीक। फिर महासमुंद में आते हैं, तो महासमुंद में हमको फिर से चार देखने को मिलते हैं, कहां, महासमुंद में, सिरपुर, खल्लारी, मोहदी और सुवरमार, सिरपुर, ठीक, खल्लारी, सिरपुर, खल्लारी, मोहदी, मोहदी और आपका एक और कौन है, सुवरमार। आंसू आवाज आ रहा है ना आपको, ठीक, सुवरमार, सिरपुर, खल्लारी, मोहदी और सुवरमार, ठीक। गरियाबंद की बात करें तो इसमें दो ठो है, राजिम है और सिंहेश्वर है, राजिम और सिंहेश्वर, ठीक, राजिम और सिंहेश्वर, ठीक। और लास्ट आपका बालोद जिला में फिर से दो हैं, पाटन और अकलबाड़ा, यहां पाटन और अकलबाड़ा, ठीक, क्या है, पाटन और अकलबाड़ा। इस तरह से कितने गढ़ हो गए आपके, 36 गढ़ हो गए, ठीक जी। तो ये आपके टोटल कितने गढ़ हो गए, 36 गढ़ हो गए। अच्छे से याद रखना कौन कौन कहां पर है ना, मैप में बता दिया हूं, आप मैप घर में जाओगे, बनाओगे और देखोगे, ठीक है ना। रियासत भी इसमें बता दूं, छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी, 14 देसी रियासतें थी, ठीक। कौन कौन सा बताते जाता हूं, इसी में देखो, ये आपका है चांग बखार, कौन सी रियासत है यहां पर, चांग बखार, मनेंद्रगढ़ जिले में है चांग बखार, चांग बखार रियासत मनेंद्रगढ़, ठीक। यहां है कोरिया रियासत, ठीक, कोरिया में हो गया। ये यहां है सरगुजा रियासत, ठीक। फिर जसपुर नगर, ये जसपुर नगर, ठीक। और रायगढ़ में है आपका उदयपुर रियासत, उदयपुर, ठीक, हो गया। इसके अलावा रायगढ़ रियासत, रायगढ़, ठीक। फिर आपका है सारंगगढ़ रियासत, सारंगगढ़, हो गया। फिर है आपका शक्ति, शक्ति, हो गया। इधर आ जाते हैं, यहां कवर्धा रियासत, हो गया। कवर्धा के बाद राजनांदगांव में जो है, राजनांदगांव में ऊपर का जो खैरागढ़ वाला है ना, वहां पर है दो ठो, छुई खदान और खैरागढ़, छुई खदान और कौन सा है, खैरागढ़, अभी नया जिला बना ना, तो छुई खदान खैरागढ़ कहां है, खैरागढ़ में है, ठीक। फिर राजनांदगांव रियासत, राजनांदगांव, राजनांदगांव में है, ठीक, हो गया। फिर दो ठो बस्ता है, ये है कांकेर रियासत, ये दोनों एक ही फैमिली है, और ये बस्तर रियासत, इसी का ही जो भाई था है ना, जो आपके बस्तर रियासत के राजा ही थे, उसी का ही फैमिली है ये कांकेर रियासत, ठीक। तो इस तरह से कितने हो गए, 14 देसी रियासतें होंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक। ऊपर से देख लो, चांदबुखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर नगर, उदयपुर, रायगढ़, सारंगगढ़, शक्ति, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, कांकेर और बस्तर, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीजें, ठीक। तो ये आज का आपके यहां से खत्म, ठीक।
नेक्स्ट क्लास में अपन फिर आगे देखेंगे, ठीक। मे बी नेशनल स्टेट इम्बलेम को देख लें या डिस्ट स्टेट फॉर्मेशन या डिस्ट फॉर्मेशन देख, ठीक। तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अच्छे से मैप को पढ़ लेना, है ना, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम जो पढ़ोगे ना वही याद रहेगा आगे चल के, अभी अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बाद में भूल जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। चलो ये यहाँ से आज आपका ये अलग क्लास खत्म होता है, ठीक। साइंस वाला एक बार पूछ लीजिए आपके सर से, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक। आऊंगा बोले हैं, ठीक, वहां चले जाओ तुम लोग आराम से, फिर तो आएंगे, तो आएंगे उस टाइम।